अस्सलाम वालेकुम, वालदा की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे कढ़ाई चिकन। इसके लिए हमने कढ़ाई रख दी, अभी गैस ऑन कर दी। अब इसमें हम तेल डालेंगे, कढ़ाई चिकन बनाएंगे। इसके लिए हमने तेल लिया है, तेल इसमें ज़्यादा जाता है। अभी हमने तेल डाल दिया, हमने तेल डाला है ये बड़े चम्मच, चार चार पांच चम्मच, कम से कम 100 ग्राम तेल होगा। ये हमारा आधा किलो चिकन है। तेल ज़्यादा जाता है, अगर बनने के बाद ज़्यादा लगे तो थोड़ा निकाल सकते हैं। ये तेल में ही बनता है। अब बनाएंगे, दिखाते हैं। इसके लिए हमने ये सामान लिया है, ये तो हरी मिर्च है, चार मिर्चें हैं ये हरी, और ये तीन चार मिर्चें ये लाल हैं, जो हरी लाल हो जाती हैं वो ली है हमने। ये हम डालेंगे हरी मिर्च काट के डालेंगे, ये साबुत डालेंगे। हाँ, ये अदरक लहसुन लिए, अदरक लिए, ये इसको हमने बड़े बड़े ऐसे लंबा काट लिया है। और ये लहसुन लिए, ये 10-12 कली लहसुन की है, ये भी डालेंगे। काट के डाल दो चाहे साबुत डाल दो, वो तो गल जाएगा। हम डालते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं डालना। और ये हमने 5 टमाटर लिए, ये 5 टमाटर लिए हैं हमने। ये इनका हमने पहले ही छिलका हटा दिया, अब इसे हम ऐसे ही डालेंगे आधा करके बस। हम बाद में भी छिलका हटाते हैं, हम पहले ही हटा देते हैं छिलका इसका। अभी साबुत टमाटर हम डालेंगे आधा आधा करके बस। और हमने ये आधा किलो ये हमारा चिकन है। अब हम बनाना शुरू करते हैं, तेल गर्म हो जाए अभी बनाते हैं। अभी तेल गर्म हो जाएगा तो हम जो 2-3 लौंग और 2 हरी इलायची डाल देते हैं खुशबू के लिए। अब इसमें हम ये चिकन डालेंगे। थोड़ा सा हम इसे चिकन को जो है चलाते हैं। फुल गैस रखनी है ताकि इसमें अच्छे से ये डॉट बन जाए, निशान अच्छे से आ जाते हैं ना, जैसे सीखने के आते हैं निशान वैसे आ जाए। अभी हमने 2 प्याज ली थी हमने बड़ी बड़ी, इसको हमने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। अभी सारा सामान हम इसी में डालेंगे। अभी थोड़ा सा हमारा चिकन जो है ये फ्राई हो जाए, फिर हम डालते हैं इसको 2-3 मिनट तक, जब तक इसका पानी जो छूट के चिकन का जो पानी छूटेगा तो सारा जल नहीं जाए, तब तक हमें इसमें ऐसे सीकने देना है, ऐसे ही रखा रहने देना। फुल गैस है हमारी अभी, जब ये पानी जल जाएगा उसके बाद हम सब डालेंगे टमाटर वगैरह, क्योंकि टमाटर में भी पानी छूटता है। तो अभी पहले इसको हम सुखा लें। अभी इस तरीके का हो गया ये। अभी सारा समझो तेल है, ये ऐसे निशान आ रहे हैं हल्के हल्के, ऐसे ही आना चाहिए। अब इसमें पानी नहीं है, अब इसमें हम सब अपना सामान डालते हैं। ये तो हमने अदरक काटी थी वही है, ये मिर्ची डाल देते हैं, और ये लहसुन भी हमने साबुत डाल दिया। इसमें सब कुछ साबुत ही पड़ता है। और हम ये अपने पास से हरी मिर्ची भी थोड़ी काट के डालते हैं ताकि थोड़ी तीखापन ये आ जाए उसमें अच्छे से। ये कम तीखी है ये मिर्च। और ये टमाटर भी हम ऐसे रख देते हैं सारे से, ये हमने आधे आधे टुकड़ों में काट लिया है और छिलका हमने इसका हटा दिया, क्योंकि बाद में भी हटाते हैं, अब हमने पहले ही इसका हटा दिया छिलका। अब इसको ऐसे रख देंगे सारे टमाटर। बहुत अच्छा बनता है, आप भी हमारे तरीके से एक बार बना के ट्राई करके देखें, बहुत अच्छा बनता है। आप इसमें नमक डालेंगे, अब इसमें नमक डालते हैं हम, ये आधा चम्मच, थोड़ा सा और बस, आधा ही चम्मच है, कम था ना इसलिए हमने आधा चम्मच डाला। आधा चम्मच नमक डाला, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना बस। अब हम इसे क्या करेंगे, ढक देंगे। अब इसको हम मीडियम गैस करके ढक देते हैं। अब हम कम से कम इसे 10-15 मिनट तक ऐसे पकाएंगे, तब तक ये अच्छे से टमाटर लहसुन प्याज सब गल जाएगा पूरा, फिर दिखाते हैं। अब इसको हम खोल के देखते हैं इस तरीके से ये पक रहा है। देखो ये अच्छे से गलना है टमाटर ये। अब इसको हम इस तरीके से ये ऐसे मैश करते हैं, अब इसे चलाते हैं। देखो ये प्याज वगैरह सारे, इसे ये टमाटर अपने आप से ही भूल जाएंगे,
क्योंकि हमने छिलका पहले ही हटा दिया था, वरना हमें छिलका हटाना पड़ता और हमने पहले ही हटा दिया। अब ये अच्छे से इसके साथ भून जाएंगे इस तरीके से। बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी। आप भी एक बार हमारे तरीके से बना के देखें, एक बार बनाएंगे ना, बार बार बनाने की सोचेंगे, इतना अच्छा है। अब इसको थोड़ी 2-3 मिनट तक और ढकेंगे ताकि ये और रह गया थोड़ा बहुत तो गल जाएगा। बस टमाटर अपने आप से भूल जाएंगे, ये भी प्याज भी गल जाएंगे सब कुछ। 2-3 मिनट तक और ढक देते हैं। अब इसको हम देखते हैं, ये बन गया, देखो कितना अच्छा बना है, सारे टमाटर घुल गए, बहुत अच्छे से बना। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा तेल निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा तेल तो इतना पसंद भी नहीं है वाली, मगर बनाना तेल में पड़ता है, ये तेल तो बाद में इस्तेमाल आ जाएगा, किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं, हम चिकन बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। अब हम इस तरीके से इसे निकाल लेंगे थोड़ा सा। अब हमने इतना तेल ये निकाल लिया, देखो कितना साफ तेल निकला, ये हम किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं। हमने इसमें रिफाइंड डाला था, आप चाहो तेल में बना सकते हैं, हमने रिफाइंड में बनाया। अब बस बन गया ये, अब देखो चलाते हैं इसको, कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब एक हम सीक्रेट डालेंगे इसमें मसाला, जो हम अपने बनाते हैं इसको, आपको अगर दिल करे तो डालो, मगर खुशबू के लिए हम डालते हैं 3-4 लौंग, 3-4 हरी इलायची। बस इसको हमने इस तरीके से इसे कूट लिया है, अब इसको हम इसमें डाल देते हैं, इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ज़रूर डालना। बस बन गया ये, हम बस खुशबू के लिए डालते हैं बस, और कुछ मसाले नहीं डाले हम, बाकी के इसी में टेस्ट आ गया। अब इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डालते हैं, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी हमारे तरीके से, हम नींबू रख देते हैं, ये नींबू डाल के खाना बहुत टेस्टी लगता है। आप भी हमारे तरीके से बनाएं, खाएं, हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं हमारा ये कढ़ाई चिकन कैसा था कमेंट में। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा साथ देते रहें, ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।